बिजनौर कबड्डी में आपका स्वागत है। किसानों ने क्लेटेड में भरी हुंकार। लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर किसान धरने पर बैठे। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे किसान। वहीं उधर कलेक्ट्रेट जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों और पुलिस में हुई जोरदार झड़प। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस और किसानों के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। बिजनौर के नुमाइस ग्राउंड का मामला। प्रदेश भर में आज भाकियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं बिजनौर जिले में भी आज भाकियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट जा रहे किसानों को नुमाइश ग्राउंड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और किसानों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। तो वहीं गुस्साए किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाली और किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने पुलिस प्रशासन को चेताया कि अगर किसानों को पुलिस ने कहीं भी रोका तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पुलिस प्रशासन किसान नेताओं की मांग है कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ऊपर जिस जनता की सुरक्षा का जिम्मे था, उसी बेगुनाह किसानों को मंत्री पुत्र ने लखीमपुर में गाड़ियों के नीचे रौंद डाला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर जेल भेज देना चाहिए। अजय मिश्रा 120 का आरोपी है। जब तक मंत्री पद पर है तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। संबंध में आपको जानकारी है, मैं गृह राज्य मंत्री एक भारत सरकार में जिम्मेदारी का पद इससे भी बड़ा और कोई पद प्रधानमंत्री का हो, जिसे जान मान की हिफाजत की जिम्मेदारी है कि जनता की, और वो जो यहाँ की जनता को रोंदता हो, उनकी हत्या करता हो, तो सुनियोजित हमला जो उसने कराया और आज भी अपने पद पर कायम है, इसे भारत सरकार को भी शर्म आनी चाहिए और ऐसे गृह राज्य मंत्री को तत्काल पद मुक्त करे, पद से हटा के, और जो अपराध 120 बी का उसमें गिरफ्तार करे। उसे लेकर किसान अपनी मांग कर रहे हैं, ये आवाम मांग कर रहा है कि ऐसा गृह राज्य मंत्री न जनहित में है न राष्ट्र में।